आप सबको बताते हुए खुशी होती है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2022 की परीक्षाएं कल से प्रारंभ हो रही है और ये परीक्षाएं सीनियर सेकेंडरी की कल से प्रारंभ हो रही है। इन परीक्षाएं जो अभी प्रारंभ हो रही है वो परीक्षाओं के अलावा 31 मार्च से सेकेंडरी की परीक्षाएं प्रारंभ होगी और ये सारी परीक्षाएं 26 अप्रैल को समाप्त होगी। बोर्ड का मुख्य ध्येय, जैसा कि आप सबको विदित है, मुख्य ध्येय प्रश्न पत्रों की सुरक्षा है। उसके लिए हम एक बार पहले भी बात कर चुके हैं, इस बार भी प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए माकूल इंतजाम किए गए हैं। प्रश्न पत्रों को यथासंभव ट्रेजरी और पुलिस लाइन में और पुलिस थानों में रखा गया है। जहां पर नोडल केंद्र और एकल केंद्र है वहां पर भी राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। पहला प्रश्न जहाँ तक प्रश्न पत्रों की सुरक्षा का है उसके बारे में मैंने आपको बताया। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है नकल की रोकथाम। इसके लिए बोर्ड द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों के स्तर के उड़न दस्ते हैं, हमारे स्तर के उड़न दस्ते हैं, बोर्ड स्तर के काफ़ी उड़न दस्ते हमने बनाए हैं। इस बार 2 महिला उड़न दस्ते भी, विशेष रूप से महिला अधिकारियों के, शिक्षा अधिकारियों के भी 2 विशेष उड़न दस्ते बनाए गए हैं और हम प्रयास ये करेंगे कि नकल पर किसी भी प्रकार की कोई होने पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और आपको ये भी बताना जरूरी समझूंगा मैं कि जो 11 संवेदनशील जिले हैं उनके अंदर प्रश्न पत्र थाने से या ट्रेजरी से जहां से ले जाने तक प्रश्न पत्र वितरण तक की वीडियोग्राफी होगी। इसी तरीके से जो संवेदनशील अति संवेदनशील केंद्र है उन पर CCTV से भी करीब करीब 400 से ऊपर CCTV केंद्र लगाए गए हैं, CCTV कैमराज लगाए गए हैं जिनका यहाँ पर ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी और उसके लिए हॉल में व्यापक व्यवस्था की गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह की बोर्ड ने प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर, नकल की रोकथाम को लेकर, केंद्रों की व्यवस्था को लेकर, बच्चों को ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड करने को लेकर, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को लेकर पूर्ण प्रयास किया गया है कि परीक्षाएँ सुचितापूर्वक सम्पन्न हो और बोर्ड की जो मर्यादा और गरिमा है उसे हम उतने ही मर्यादित रूप से संपादित करवा सकें। थैंक यू सो मच।